महिला आयोग की तरफ से भी इस पर एतराज जताया गया। जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया, जितना हक एक पुरुष को इबादत का है उतना ही एक महिला को भी है। मैं जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी कर रही हूं। और ये वो ट्वीट स्वाति मालीवाल का इस वक्त आप देख रहे हैं। इस तरह महिलाओं की एंट्री बैन करने का अधिकार किसी को नहीं है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया, क्योंकि जामा मस्जिद में दिल्ली के महिलाओं की एंट्री बैन कर दी गई है। चाहे वो अकेली जाए, सहेलियों के साथ जाए, उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। उनके अभिभावक अगर साथ में होंगे, शर्त लगाई इसमें ये गई है, तभी अभिभावकों के साथ महिलाओं को एंट्री दी जाएगी, नहीं तो वो नहीं जा सकती हैं। तो ये ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, जिनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया। क्या कुछ है इस ट्वीट में वो भी जान लीजिए आप, मैं सुनाती हूँ पढ़ के। जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। जितना हक एक पुरुष को इबादत का है उतना ही महिला को भी है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी कर रही हूँ। इस तरह महिलाओं की एंट्री बैन करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का ट्वीट इस वक्त आपके सामने, क्योंकि जैसी ये खबर सामने आई उसके बाद इन्होंने इस पूरे मामले पर एतराज जताया है। जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। जितना हक एक पुरुष को इबादत का है उतना ही एक महिला को भी है। मैं जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी कर रही हूं। दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल की तरफ से अध्यक्ष हैं दिल्ली महिला आयोग की, उनकी तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया। इस तरह महिलाओं के एंट्री बैन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। क्या आप महिलाओं की एंट्री बैन कर दे कहीं भी? ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली में जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के जब यहाँ ये नोटिस लगाया गया तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की तरफ से इसे संज्ञान में लिया गया। ट्वीट करके बताया गया कि वो अब नोटिस जारी करेंगी। जी मीडिया संवाददाता वरुण हमारे साथ जामा मस्जिद के बाहर ही वो मौजूद है, जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख करते हैं। वरुण, कई लड़कियों से आपने वहां पर बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है भीतर। हमने अभी देखा भाई बहन है, यानी कि हम उम्र हैं, भाई बहन वो बता रहे हैं वो, उन्हें भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये कैसा फरमान है? लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए मैं आपको बताऊं, जामा मस्जिद के 3 गेट हैं और तीनों गेट पे कुछ इस तरीके का, मैं आपको सबसे पहले वो दिखाऊंगा जो कि जो नोटिस लगा दिया गया है। यहाँ स्टील की एक प्लेट है जिसपे साफ तौर पे 2 भाषाओं में, उर्दू में और हिंदी में लिखा गया है, और वो मैं पढ़ के एक बार आपको फिर बताऊं। तो वो जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है, यानी कि अगर लड़की अकेले आती है या फिर कोई ग्रुप आता है तो वो लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। ये तीनों गेट पे लगा दिया गया है और इसको फॉलो भी करवाया जा रहा है इस वक्त। और हमारे साथ जो रूल बनाया गया था, जो इमाम के पास जाकर जिस चीज की दरखास्त की गई थी, वो हमारे साथ हैं। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं एमएस कुरेशी, जामा मस्जिद के। क्या जरूरत आन पड़ी इस रूल की? सर देखिए, हमारी जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली की नहीं हिंदुस्तान की शान है। यहाँ पर सभी मजहब के लोग आते हैं, यहाँ तक के देश ही नहीं विदेश से सैलानी भी घूमने के लिए आते हैं। आप जब अंदर देखेंगे चल के तो आपको नजर आएगा। मगर हो क्या रहा था, कुछ वक्त से हम ये देख रहे थे, कुछ वीडियो वायरल हो रही थी और इलाके के लोग हमें ये भेज रहे थे कि देखिए किस तरह से अश्लीलता जामा मस्जिद के अंदर आम हो रही है। आज जो है कोई भी जाकर वहाँ पर्सनल हो जाता है, वहाँ नाच गाने हो रहे हैं, तो क्या मस्जिद इस चीज़ के लिए बनाई गई है? तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमाम साहब और वहाँ की जो टीम है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उस पर सवाल उठता है। हमने जब इस बारे में जाकर के बात की इमाम साहब से, तो इमाम साहब ने और टीम ने हमें बताया कि हमने बाकायदा इस बेहुर्मती को और इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए हमने यहाँ पर इनसे ये पूछिए, क्या ये जो फरमान इन्होंने जारी किया है ये कितना जरूरी है, ये कितना वाकई इस लाइन का मतलब? मैं चाहूंगी आप इनसे ये पूछे इस फरमान को लेकर के, भाई बहन है वो कह रहे हैं कि हम भाई बहन है, हमें भी अंदर जाने की इजाजत नहीं यहाँ पर मिल रही है, नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। एक गेट से लड़का बिल्कुल और दूसरे गेट से लड़की अंदर आ रही है और यहाँ आके फिर दोबारा जो है आपका टिकटॉक हो गया, रील्स हो गई या वीडियो हो गई या पर्सनल आप होना, कैसे पता लगाएंगे कि अगर वो भाई बहन अंदर आना चाहते हैं, एक साथ आए हैं, चलिए दूसरे शहर से आए हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे, आप कैसे मना कर सकते हैं उनको? क्योंकि सबसे ये तो एक कानून बना के रख दिया गया, लिख दिया गया और आप अंदर लोग मना करने के लिए तैयार है, लेकिन क्यों, कहां से? ये कोई कानून नहीं है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए एक पाबंदी है, ये उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते पाए, दाखिला मना होना इन्फॉर्मेशन की जगह ज्यादा पाबंदी ज्यादा है।
बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद नेम प्लेट के अंदर थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है, उसके बारे में भी हम इमाम साहब से बात करेंगे। मगर आप यहाँ देखें, जब आप अंदर जाएंगे, चाहे लड़की अकेली हो या दुकेली हो या फैमिली के साथ हो, बस यहाँ पर ये फॉलो कराया जाता है कि आप जगह की मान मर्यादा को रखें। चाहे कोई लड़कियां अगर अकेली आ रही हैं, एक साथ आ रही है, बिल्कुल आ सकती है। आप ये रिस्ट्रिक्शन की जगह, ये जो आप अब इस चीज को ये मान रहे हैं कि गलत हो गया, इमाम साहब से वो बात करेंगे। इस रिस्ट्रिक्शन सुनिए वरुण, इस रिस्ट्रिक्शन की जगह जो रूल है, नियम कायदे ये बना रहे हैं कि आप टिकटॉक नहीं, ये सारी चीजें नहीं करेंगे मस्जिद में, वो लगाना चाहिए था। आप तो सीधे तौर पे कह रहे हैं, आ रहे फरमान सुना रहे हैं, लड़कियां भीतर नहीं जा सकती हैं। अब अभिभावक के साथ आएंगी तो जाएंगी, भाई के साथ आएंगी तो भी नहीं जाएंगी। सबसे पहले अब दाखिले वाला लाइन की मैं बात करूंगा, और मैं बात करूंगा क्या आप इसमें इसकी जगह ये नहीं लिखना चाहते कि टिकटॉक रील्स या फोन इस तरीके की चीजों का बनाना मना है। सब अंदर लिखा हुआ है, चाहे मेल हो, अंदर तो पढ़ ही नहीं पाएगा ना सर, वो लड़की अंदर जा ही नहीं पाएगी तो कैसे। बाहर भी ये देखिए, आप मैं आपको दिखाता हूँ, आप मुझे दिखाइए और समझाइए। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।